हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए पहाड़ों की वादियों में घूमने जा रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज़ वन बाई वन करके पार्टिकुलर तरीके से बताता रहूँगा और मैं इंजॉय करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इंजॉय करोगे। और फिलहाल तो चलते हैं। लोग हमारे साथ एंजॉय करते रहे गाइस। यस गाइस, तो ये देखिए हम यहाँ से पहाड़ के इलाके में घुस चुके हैं। जो मेरे मामा का चैनल पर वीडियो जाएगी, इसको प्लीज सब्सक्राइब वो कर दियो। है ले लिया। आ गया। ये पार लो मोल पे। बस यूं ही घुमा दे रहा हूँ मैं यहीं पे। ये चीज़ें लोग काम में, अबे सर पे से डाल, बाल खराब बैठे एकदम। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, लेकिन यहाँ पे से कुछ होता नहीं है। रोड टूट रहा है हल्के हल्के, यहाँ से पहाड़ गिरती चली जा रही है। सर ये पहाड़ दिखाओ। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये पहाड़ टूट टूट के रोड पर गिरती है। और गाइस यहाँ पे ये लॉन्डी है जो देखो, वहाँ मज़ेदार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने। इंजॉय करो बस, हमारे साथ आप भी इंजॉय करो बस। मुझे जब हम घर से निकले थे तो आपको इंजॉय कराने के लिए निकले थे। अब फाइनली आप सामने देखते हो, ये कंपनी है और इधर नीचे खाई टाइप की है, मतलब मारखंडे नाम की एक नदी है जो पुराने ज़माने के देवता हुआ करते थे। और ये साइड में आप देख रहे होंगे कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। आप लोग इनके किनारे से गुजर रहे हैं, नीचे से हल्के हल्के, स्लोली स्लोली। अगर तेज़ निकलेंगे तो ये पहाड़ खस के हमारे ऊपर भी गिर सकते हैं और हम इनके ऊपर गिर सकते हैं, तो पहाड़ों को नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। समझ रहे हैं भावनाओं को? आप सिर्फ बात को समझिए, भावनाओं को समझिए। और ये देखिए पेट्रोल पंप आ रहा है, मैं यहाँ पर पड़वाऊँगा पेट्रोल 50 रुपये का। और ये भी नया नया खुला है। ये सकेती रोड कहलाया जाता है। इस रोड पर आगे प्रोटेक्ट कंपनी है जहाँ मेरी फैमिली काम करती है। दिखाओ इधर हमारे दर्शकों को, ये सामने जो रोड गया है और ये सामने आपको ये कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ हमारे परिवार वाले काम करते हैं वन बाई वन करके, ठीक है। और लेकिन हमें इधर सामने जाना है, इधर दिखाओ, हमें इधर जाना है। ये पुल है, ये से क्रॉस कर रहे हैं। देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये आपको कैमरे में छोटे दिखाई देते होंगे लेकिन ये काफी बड़े बड़े हैं। ये इधर कस्बा बसा हुआ है, इन पहाड़ों पर ही कंपनी जमी हुई है। जमी हुई नहीं, बनी हुई है। जमा हुआ तो पेड़ होता है। मजाक मत मामा, चिल कर रहे हैं, मतलब चिल कर रहा। हम तुम्हारे शूटिंग अच्छी तरह का छूटी है।
बेहतरीन और खूबसूरत पहाड़ है और ये बहुत ऊंचे हैं, आपको छोटे दिखाई देते होंगे। और ये देखो हमारे पीछे के जो है, और हम लगभग पिछले एक घंटे से इस पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं। और इधर की एरिया मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी, ये एक सामने एरिया है, यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे वहाँ से दिखाई देते हैं। मैं आपको ज़्यादा करीब तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि ज़्यादा करीब जाऊँगा मैं खुद खाई में गिर जाऊँगा। हाँ ये लो दिखाओ ज़रा, फाइनली अब हम देख रहे हैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं, जहां पर मैं अपनी मोटिवेशन वीडियो शूट करूंगा। तो हम अपने कैमरामैन को वहां भेजते हैं, तुम वहां जाओ वहां से शूट। देखते हो गए मेरे पीछे काफ़ी बेहतरीन पहाड़ हैं। मैं आपको जिस जगह को दिखाने लाया था, जहाँ घुमाने लाया था, उस लोकेशन पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आपने मेरे साथ काफ़ी इन्जॉय किया होगा, मैं यहाँ कर अभी आपको दिखा दूंगा ये सारी चीज़ें। ये आपको और आगे के नज़ारे दिखाते हैं, बैठो अमन बाबू। पहाड़ दिखाओ भाई, इतने ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ क्या है, पार्क में पार्क की तरफ लेके चलिए। कितना खूबसूरत मंजर है, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं इस जगह पर और यहाँ पर पहली बार आया हूँ। आप देखते हो सामने कितने खूबसूरत छोटे छोटे बेहतरीन और बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या घाटियाँ हैं, क्या बुलंद नगरियाँ हैं। उम्मीद अपनी मैं जो है अपनी भावनाएं जो हैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मुझे कितना बेहतरीन फील हो रहा है यहाँ पर आते हुए। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप नज़ारा आपको कैसा लगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने और दोस्तों को भी दिखाइए। तो ये घाटी, ये पहाड़, ये मंजर, कहाँ पर जाना है मुझे, वो वहाँ पर, वो आपको घाटी दिख रही है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। अभी हम आप धीरे धीरे चल के वहाँ पहुँच रहे हैं, और ये रास्ता देखो, मुझे तो डर लग रहा है कहीं पहाड़ खस के नीचे ना आ जाए। अब हम घाटी में नीचे जा रहे हैं दोस्तों, घाटी में नीचे जाने का अपना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही मजा है। वहां से चल के यहाँ आ चुके हैं, वो देख रहे हैं उस पहाड़ी से लेकर के हम यहाँ आए, इस बार बीच में एक घाटी को क्रॉस कर चुके हैं। बाकी की ये घाटियां हैं और ये पहाड़, ये रोड है, ये ऊंचे नीचे रोड है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी वहां से रोड दिखाई दे रहा है। ये रोड दिखाओ यहाँ से, वो रोड दिखाई दे रहा है नीचे, अभी हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, मजा आएगा नीचे उतरते हुए, तो मजा आ रहा है।
ये पहाड़, ये दरिया, ये झरने, ये घाटी, ये घाटियाँ सब चीख चीख कर मुझसे ये सवाल कर रही कि अनीस बाबू आज इधर कैसे? वो वहाँ दिख रहा है आपको गोल गोल नीचे पहाड़ सा, अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। अच्छा वो वहाँ कुआं सा बना हुआ है, बहुत दूर लग रहा है ये तो। चलो अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर, टेंशन ना लो। अरे इन जैसे जीप तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं। ये घाटी बन रही है क्या वहाँ ऊपर? घाटी कैसे चढ़ जाएगी? आ जाएगी, इधर से जाएगी। गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ से गाड़ी आगे अब जाएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं 10 कदम का रास्ता ही हम चल कर तय करेंगे। मंजर है आगे भी, मंजर है यहीं पर और यहाँ तक ही गाड़ी आ सकती है। आप देखते होंगे कि चारों तरफ ये कितना खूबसूरत मंजर है, और ये आप देख रहे हो सामने कितना गोल गोल ये कुआं खुद रहा है। शायद ये पानी का इंतजाम हो रहा है, मुझे लग रहा है पानी का। यहाँ से लोगों के पास पानी पहुँचता है, यहाँ से लोगों के पास पानी पहुँचता है। पाइप ये कैसे पड़े हैं? ये पाइप सारे गांव में पूरे वहाँ तक जा रहे हैं और हिमाचल और ऊपर तक जा रहे हैं। ये सब पहाड़ों के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। हाँ, जो पहाड़ों के ऊपर जगह जगह दो दो घर बने हुए हैं वहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर एक दूसरी वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ और उसका इंतज़ाम हो रहा है। ये देखो हमारा माइक पड़ा है, गाड़ी की चाबी पड़ी है, और ये हमारे अमन बाबू हैं, भांजे श्री हमारे जो कि एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं हमारे। ये सादा भाई हैं, और ये जो है मेरा स्टैंड है ट्राइपॉड, और ये इसको सेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पर एक हमारी शूटिंग होने वाली है। शूटिंग के लिए हमने ये एरिया चुना है, ये वाला, यहाँ का ये पीछे का ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड, ये हरी हरी घास। चाहे लेट के करो चाहे बैठ के करो, है तो करना ही। अब ये मत सोच लेना कि करना क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वरना समझ रहे हैं आप। भावनाओं को समझिए सिर्फ। ये कुआं नहीं है जिस पर नज़र गई है आपकी, ये बहुत बेहतरीन पानी का अंडरग्राउंड बना हुआ है, पता नहीं क्या। यहाँ से सारे हिमाचल में ये लगभग इसके अंडर में आने वाले एरियाज में पानी सप्लाई होता है। और ये जो पाइप आप देख रहे होंगे यहाँ पर पड़े हुए, ये पाइप जो है जैसे आप पहाड़ काट के बीच बीच में किसी ने घर बना लिया, कोई कंपनी बन गई, तो वहाँ सप्लाई देने के लिए अंडरग्राउंड यहाँ भी हो सकता है पाइप हो, जो हमें नहीं दिख रहे हैं। कहाँ पाइप निकल जाए कुछ पता नहीं है, क्या से क्या हो जाए देखते देखते। फिलहाल तो आप एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को और आने वाले ब्लॉग के लिए तैयार रहिए। फाइनली हमारा ब्लॉग बनकर तैयार हो गया है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और मेरा ये नया चैनल है ब्लॉगिंग का, अनीस हमदर्द। तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सही कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि मेरी मेहनत की जो बनाई हुई वीडियो शूट की हुई है वो थोड़ी बहुत भी 5% भी अगर सही और आपको एंजॉय कराया गया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि क्या होगा हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को बेहतर बनाने का। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर दीजिए। थैंक्स।